क्या मदद चाहिए बेटा बोलो? हम लोग को पढ़ना है, हमको मम्मी की सपोर्ट चाहिए। पढ़ना है बेटा? हाँ। ठीक है, आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। तो कहाँ पे अभी रहती हैं आप? पढ़ने के लिए बिलख रहा है बम्बई में। रो वहाँ पे क्या करती हैं? चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं हैं अच्छे बच्चों। आप तो अपने मम्मी के बैठो, यहाँ बैठो, रो मत। आप तो अपने मम्मी की अच्छी बेटी हो ना, अच्छी बेटी कहीं रोती है? सोच रहे हैं कि अगर दोस्तों आप लोग सपोर्ट कर देते तो मैं अच्छे से। दोस्तों नमस्कार, जो कि हम लोग दोस्तों घर से निकले हैं, वहाँ से ब्लॉगिंग चालू नहीं किए हैं, और जो कि आए हैं हम लोग शांति के घर पे, और जो कि एक सब्सक्राइबर आई थी बम्बई से और बहुत मुश्किल में है, और जो कि इसी वजह से हम लोग बहुत कि हम लोग जा रहे थे राजा के घर पे, और यहाँ पे जो कि राधा हैं, कुछ बोलिए राधा। और जो कि ये सब्सक्राइबर बेचारी हैं, बहुत मजबूर हैं। और दोस्तों इतने दिन बाद आए हैं शांति के यहाँ, शांति हमको रोज बुलाती है। रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा। दो तीन दिन से मतलब एक हफ्ते से हो रहा है, शांति हमेशा बुलाती थी, दीदी आवा घूम जा, बहनी देख जा, हाल चाल बता जा, लेकिन नहीं आ पाते थे। लेकिन शांति कल से ही बहुत रिक्वेस्ट करी कि दीदी एक सब्सक्राइबर आई है, बहुत मजबूर है, और आप आइए, दो मिनट का समय निकाल के उनसे उनकी प्रॉब्लम सुन लीजिए। तो हम भी फोन पे सुने, फोन पे शांति ने बताया था दीदी ऐसी ऐसी बात है, लेकिन इनके दीदी के ही मुंह से आप लोगों को बताते हैं क्या बात है क्या बात नहीं। और हम लोग जा रहे थे राजा के यहाँ पे, जो कि 21 तारीख को राजा की एनिवर्सरी, गोद भराई दोनों हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी मौजूद मिलेंगे। जो लोग मिलना चाहते हैं आके मिल सकते हैं। फिलहाल अभी दीदी से मिल लीजिए, दीदी की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है आप लोग सुन लीजिए, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा। बताइए, बोलिए जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आप जूझ रही हैं बताइए। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भैया के चैनल में। और दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, मैं मुंबई से चल के आई हूँ शांति के पास मिलने के लिए, शांति उनसे भी मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनके पास मेरे को बहुत दिन से मेरे को मन कर रहा था मिलने के लिए इनसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनसे भी मिल के, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मेरे आदमी ख़त्म हो गए गाड़ी से लड़के, और दोस्तों मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे बच्चे दो हैं अभी तक पढ़ाए नहीं हैं दोस्तों, और आप लोग का सॉरी चैनल। और जो कि दोस्तों ये भी चैनल बनाई हैं, और इनके चैनल का हाँ, ज्यादा बोल नहीं पा रही हैं, किसी के पास भी अगर चैनल पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन दीदी के साथ इतने ही कम उम्र में ऐसा हो गया, इनके दो बच्चे हैं, और एक चैनल का नाम है शांति और खुशी से है, और एक चैनल है क्या है सहानी सिर्फ है। तो आप लोग दीदी दोस्तों तीन चैनल है, और तीनों चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। अगर तीनों में से एक चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भी दीदी अपने बच्चों को अच्छे से खिला कमा लेंगी, क्योंकि दीदी जो काम करती हैं मुंबई में रहती हैं। अब आप इधर आओ, काम करती हैं, इनके दो बच्चे हैं, वो भी उधर कैमरा है, उधर आइए दोनों जने, जाइए दोनों जने, जो कि दोस्तों दिखा रहे हैं इनके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, जो कि अभी पढ़ते लिखते नहीं हैं बेचारे, बाबू हैं ये, बहनी है, लड़की है दोस्तों, इन लोग का आप लोग समझ सकते हैं, इतनी उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते, पढ़ने का मन करता है ना, पढ़ने नहीं जाते दोस्तों, कसम से कह रहे हैं ना कि अगर ये लोग यहाँ पे कहीं मेरे आसपास रहते ना, अगर मेरे आसपास में कहीं रहते ना दोस्तों, तो मैं इन लोग को पढ़ाती लिखाती। आपको क्या मदद चाहिए बेटा बोलो? पढ़ना है बेटा? हाँ। ठीक है, आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। तो कहाँ पे अभी रहती हैं आप? पढ़ने के लिए बिलख रहे हैं बम्बई में, रो वहाँ पे क्या करती हैं? चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं हैं अच्छे बच्चों, आप तो अपने मम्मी के बैठो, यहाँ बैठो, रो मत। आप तो अपने मम्मी की अच्छी बेटी हो ना, अच्छी बेटी कहीं रोती है? सोच रहे हैं कि अगर दोस्तों आप लोग सपोर्ट कर देते तो मैं अच्छे से गांव में आ जाती, भले से भाड़ी पर रहती पर बच्चे को अपने दोस्तों सच्ची में, अगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर ये गोरखपुर जिले में चाहे मेरे हमारे आसपास में रहती तो हम इनके दोनों बच्चों को पढ़ाते लिखाते, लेकिन ये बम्बई में है, बम्बई में, और इनकी मजबूरी है कि बम्बई में ये इसलिए है क्योंकि रहने का दिल नहीं करता है, पर इनको ये वही घर वाले करती है, ससुराल वाले बोलिए बताइए, अपन सारी भी पास ससुराल की भी बात बताइए, कौन बहाना है रहने देते हैं? नहीं मेरे साथ हरामी एक सोते निकाल दिए मेरा आदमी जब खत्म। हाँ बताइए, माला कुल बात बताइए, कम से कम आपके ही बच्चे के ही तो बच्चे थे ये, किसी का इनका मुंह मत देखती, कम से कम इन मासूम बच्चों का मुंह देखती, यहाँ पे बच्चे कितने टूटे हुए हैं, हर एक इनको भी दादी दादा का प्यार चाहिए, इनको भी बाप का प्यार चाहिए, लेकिन भगवान को ये राजी नहीं, आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो हम लोग आप ही को ही सब कुछ मान तो लेंगे। आप लोग प्लीज इनके यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, यही इतना कहेंगे, और हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे
बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को देखिए बच्चे भी अभी यही बोली है कि हमको पढ़ना है, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी मम्मी का सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हम यही कहेंगे। और मेरे को नहीं पता था कि इतना कुछ बात है, मेरे को शांति ने बस इतना ही बताया था कि दीदी जो दीदी मिलने आई हैं उनके हस्बैंड नहीं है, बहुत मजबूर है। लेकिन यहाँ पे आके पता चला तो इन बच्चों की भी मजबूरी मैंने सुनी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे से जितना हो सकेगा मैं दोस्तों उतना जरूर करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। मेरा इतना बड़ा चैनल है, मेरे चैनल से हमारे तरफ से फुल वीडियो जाएगा, वीडियो थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरा फुल मेहनत करेंगे। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम यहाँ से आपके साथ में जाएंगे उनके अमरनाथ भैया। अच्छा। किधर मिलने, अभी अमरनाथ से मिलने जाएंगे, वहाँ से आएंगे आज शाम तक रिटर्न हो जाएंगे। दोस्तों बोले हैं रात नहीं रहने का, तो दोस्तों आज शाम तक ही रिटर्न हो जाएंगे, तो गाड़ी बम्बई के लिए धरेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, नंबर मेरा ले लीजिएगा, ठीक है नंबर मेरा ले लीजिएगा, फिर कॉल करिएगा, 3 महीने बाद आइएगा यहीं पे रहिएगा। चुप हो जाओ बेटा, रो मत, ठीक है, 3 महीने बाद फिर आ जाना बेटा, ठीक है। बोलो कि फैमिली जल्दी से सपोर्ट करे, सपोर्ट हो जाए, हमारी फैमिली सपोर्ट करने लगेगी। दोस्तों हम खुद वादा करते हैं, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिएगा तो हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ये बच्चे भी है। देखिए बच्चों को सरकारी में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन दीदी का इतना भी बजट नहीं है कि बच्चों को कपड़े पहनाएं स्कूल में, आप लोग समझ सकते हैं सरकारी स्कूल में खाना नहीं दे पाते आपसे, आप लोग सब क्या कहें, आगे एक टाइम खिलाते हैं, एक टाइम नहीं खिला पाते, उससे आगे मैं आपको आप सबके। और दोस्तों मुझसे जितना हो सकेगा मेरा ये चैनल, चाहे मेरे 1 मिलियन से, चाहे मेरे 5 लाख वाले से, चाहे मेरे 70,000 वाले चैनल से, मैं तीनों चैनल से इन दीदी का कम्युनिटी पोस्ट करूंगी, आप लोग देखिएगा। और इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये जो बच्चे हैं ये अपनी YouTube फैमिली का कभी भी एहसान नहीं भूलेंगे। इन लोग को भी अपने इतिहास में याद रहेगा कि हाँ हम जो थे और अब हम जो बन रहे हैं वो हमारी YouTube फैमिली ने ही हमारा सपोर्ट किया है। आप लोग की ही दुआ से हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बड़ी बच्ची कितने साल की होगी आपकी, 12 साल की हो गई है, 12 साल की लड़की है, 12 साल की उम्र में पता है बच्चे कम से कम 5वीं 6वीं 7वीं तक में पढ़ते हैं, सही है, 8-5 साल तो दोस्तों इनकी मजबूरी है, इसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग बेचारे। 12 साल की उम्र में बच्चे और अभी हमारा स्थिति जो चल रहा है आप लोग जान ही रहे हैं, मेरे घर का जो स्थिति है, तो एक्चुअली अगर जमीन खरीदा जाएगा उसके बाद हम इन लोग को बुला के अपने घर ही पे रखेंगे। बच्चे है ना, बच्चे देखिए अपने फैमिली को हमेशा खोजते हैं, कितना भी सास खराब रहती है तो भी बच्चे खोजते हैं। मेरा बच्चा खुद देखिए, हम लोग तो घर से बेघर हैं, लेकिन मेरा बच्चे को हमेशा मेरी सास बुलाती है, हमेशा उसका देखभाल हमारी सास और हमारी जेठानी ही करती हैं। तो बच्चे को हमेशा अपने घर की याद आती है। दोस्तों अभी सबसे जो ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट बात है, चाहिए ना कि सबसे जो ज्यादा जरूरी बात है वो है पापा की। अगर पापा होते तो बच्चों को इतनी कमी नहीं खलती, क्योंकि जब पापा मम्मी का सहारा रहता है ना बच्चों के सर पे, तो कोई कुछ भी बोलता है नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन सोचिए मम्मी तो साथ दे रही है लेकिन पापा नहीं है। पापा होते तो ये बच्चे आज जो बिलख रहे हैं ना, यहाँ तक बिलखने नहीं आते, हम लोग से मदद मांगने नहीं आते, भले 2 रोटी खाते अपने घर में रहते, खुशी से रहते। चलो टेंशन मत लो, ठीक है, हमसे जो हो सकेगा हम उतना करेंगे। आप लोग नंबर ले लेना हमारा, फिर कॉल करना, ठीक है, हमारे पास फोन करना कभी भी, रात भी, अगर आपको जरूरत पड़े। हम दिल्ली में भी रहते हैं, गाँव में भी हमारा है, ठीक है, आपको जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे एक बार फोन करके बता दीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये लोग गांव में रहेंगे, अगर गांव में इन लोग को रहना है, अगर आप गांव में रहती हैं तो भी हमारे पास एक बार फोन कर दीजिएगा, हम आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हम करा देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यही आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो इस बच्चे का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत परेशान है अभी जो बोली है ना बच्ची, कसम से यहाँ दिल में लग गया है कि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, वही दिन से हमसे जैया सारी वही दिन से कहते हैं कि दीदी हम उसको ले चाहते हैं जाने के लिए, बहुत पैसा नहीं है, बम्बई जानते हो बहुत पैसा लगता है, सही बात, शहर में गांव में तो कम है, लगा ला शहर में तो सही में कम लगता है, लेकिन शहर में सरकारी स्कूल जो कोटा के चावल मिलता है ना 30-35 रुपए। हाँ हम जानते हैं दोस्तों, गाँव में कोटे का चावल तो अभी तो मान लीजिए राशन कार्ड है तो फ्री में मिल रहा है, वैसे तो 3-4 रुपए ऐसे किलो मिलता है गाँव में कोटे का चावल, लेकिन वही कोटे का चावल हम लोग दिल्ली शहर में चाहे गोरखपुर शहर में लेते हैं तो 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, यहाँ तक कि 40-45 रुपए तक किलो मिलता है दिल्ली में, 40 रुपए किलो दिल्ली में। तो सोचिए बम्बई में है ये जो चावल हम 2-3-4 रुपए किलो खरीद के खाते हैं, वो चावल हमको 40-45 रुपए किलो खरीद के खाना पड़ता है।
तो सोचिए अगर ये एक दिन ड्यूटी जाएंगे 260 रुपए हमारे घर आता है, 40 रुपए डेली सोचिए 300 रुपए कमाती हैं, 60 रुपए भाड़ा लग जाता है, 240 रुपए इनके घर पे इनके साथ आता है और उसमें भी इनको दर्द दवाई हर एक चीज देखना रहता है। बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चों का पढ़ाई लिखाई अभी नहीं ये करा रही है, लेकिन फिर भी बच्चों का कपड़ा लगता तो देखना ही पड़ेगा ना, उसको बच्चों को घर तो नहीं रख सकते है ना। और जो कि शांति यहाँ पे कितना दिन हो गया शांति यहाँ पे आए हुए? तीन दिन हो गया तभी संपर्क करना चाहिए था। डर लगा था, कौन डर किस चीज का डर, फोन करना चाहिए हम काली कि हमें राधा दीदी से मिलने के बाद हम कल चला ठीक बा राधा दीदी से मिलने के बाद हम फोन कर रहे थे या कह दे कि दीदी हो ऐसे सब बात बा बतावा था। अब ऐसे तत्काल में आए, अगर दो तीन दिन पहले आई थी अगर बातचीत हुआ होता तो आपको एक दो दिन के लिए अपने घर पे भी रख लिए होते तो आपके साथ वीडियो भी बनवा दिए होते आपके चैनल पे। तो जाबो नहीं करबो तो हो जाते ना, अब हम तो वहाँ जा रहे हैं अगर हम जान लिए होते ना जानते रहे दीदी सही। और फिर 21 तारीख को राजा के यहाँ है लेकिन आप जा रहे हैं अगर रहती तो वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिलता आपको। नहीं वो नहीं रखूँगा दिन में आप मिलते चले राजा नहीं नहीं अमरनाथ को ना असल में उनकी दिक्कत है ना उसी की वजह से सब टूट गए हैं डर के मारे ही कोई नहीं बुला। तो चलिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए और जो जहाँ तक हो सकेगा हम वहाँ तक करेंगे और आप लोग को बताया भी जाएगा। जो मैं कुछ करूँगी मैं अपनी YouTube फैमिली के सामने रखूँगी और आप लोग आप सभी से देखिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग का मैं पैर भी पकड़ लूँगी, लेकिन आप लोग बहनी का और बहनी की मम्मी का सपोर्ट करिए और मेरे चैनल से इनकी कम्युनिटी जाएगी तो आप लोग देख के प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अभी चलते हैं राजा के घर पे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और हवा और धूप भी बहुत तेज़ लग रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।